आपको भी ऐसा लगता है कि डेंगू के समय में कोकोनट वाटर या गोट मिल्क जैसी चीजों का इंटेक बढ़ाने से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कम्प्लीटली मिथ है। हाँ, कोकोनट वाटर जो है फीवर के टाइम पे पीना चाहिए, उससे आपका जो है हाइड्रेशन मेंटेन रहता है अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी सकते, पर उसकी भी एक क्वांटिटी होती है, 200 ml से ज्यादा कंज्यूम नहीं कराना चाहिए पेशेंट्स को, नहीं तो हाइपरकैलेमिया के चांसेस रहते हैं। एंड अगर आपके पेशेंट ने कभी भी चाइल्डहुड से टिल द टाइम गोट मिल्क नहीं लिया है, तो गोट मिल्क जस्ट प्लेटलेट बढ़ाने के लिए अगर आप देते हैं, तो कई बार पेशेंट को उससे इनडाइजेशन हो जाता है, जो उनके ओवरऑल कैलोरी प्रोटीन इंटेक को भी कम कर देता है। तो उस समय पे डाइटिशियन डॉक्टर की सलाह से जो इजी टू डाइजेस्ट फूड हो वही दें। थैंक यू।